नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मोटापा कम करना है तो पीएम 88 के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। मट्ठा एक ऐसा पेय है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आप गर्मियों में मट्ठा छाछ पिए तो यह शीतलता के साथ आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। आइए जानते हैं मट्ठा छाछ के कुछ फायदे। मट्ठा छाछ पीने के फायदे। एक, मट्ठा या छाछ कैल्शियम की कमी को पूरा करने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। महिलाओं में अक्सर होने वाली परेशानी जैसे जोड़ों में होने वाला दर्द और कमर दर्द भी छाछ पीने से दूर होता है। दो, भोजन के साथ छाछ लेने से हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं। भोजन के साथ इसे लेने से भोजन भी पतला हो जाता है और हम सामान्य भूख से कम खाना हम खाते हैं, साथ ही पेट भी भरा हुआ लगता है। हम छाछ की वजह से भोजन के साथ पानी पीने से भी बच जाते हैं। तीन, पीलिया में भी छाछ बहुत फायदेमंद होता है। चार, सुबह सुबह अगर काला नमक डालकर छाछ पी जाए तो यह मोटापा कम करने में बहुत सहायक होता है। पाँच, अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो तो आप छाछ में भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर पी सकते हैं, इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनेगी। छह, छाछ पीने से शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत बनती है और यह हमारे आंतरिक बल को भी बढ़ाता है। सात, एसिडिटी हो जाने पर अगर यदि हम जीरे का तड़का लगाकर और नमक डालकर छाछ पिएं तो तुरंत आराम मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।